हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत बड़े साइज़ की सूट की कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरे पास सूट का कपड़ा है, इसके अंदर ये देखिए जो टैग्स वगैरह लगे हैं ये सब हटा लेंगे हम, और फिर मैं इसकी बिल्कुल प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग आपको बताऊंगी। तो इस साइज़ की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये वाला साइज़ जो है बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कपड़े में, और क्योंकि इस जो कपड़ा होता है ना इसकी जो लेंथ आती है तैयार लेंथ वो आती है हमारे पास 44, और हमारी को इसे बनाना है 48 साइज़ में, और हिप साइज़ भी इसका बहुत बड़ा है, 56 हिप साइज़ है। तो अब इस कपड़े में हम कैसे बनाएंगे, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको कपड़े की लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़ा हमारा कुछ इस तरह है, फ्रंट और बैक है, बीच में ये लाइन दी हुई है कटिंग के लिए, और ये जो साइडों में आपको ब्राउन दिख रहा है ना ये इसकी स्लीव्स के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स इस साइज़ के अंदर अगर आप चाहें क्वार्टर स्लीव्स बनाना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हाफ स्लीव्स इसमें बहुत आसानी से निकल जाती है, ठीक है ना। तो साइज़ मैंने सारा सामने लिख दिया है, आप इसके ऊपर अपना साइज़ लगाना। अब जैसे इसकी 51 बस साइज़ है, 48 वेस्ट साइज़ है, हिप साइज़ 56 है, लेंथ जो है 48 है, शोल्डर 17 है, स्लीव 6 है, और राउंड जो है उसका 19 है। तो ये वाला साइज़ मेरे पास जो है आप इस पे अपना साइज़ लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 51 बस्ट वाले ही इस साइज़ को बनाएं, तो आप इस पे अपना साइज़ लगा लगा के बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेट करेंगे, जो इसका जो नेक है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे और आप जो है बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम, ठीक। तो देखिए इसकी कपड़े की जो लेंथ है वो 44 है और हमें बनाना है 48, तो 48 हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम इस ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो शोल्डर इसका 17 है, 1 माइनस करेंगे 16 करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1 माइनस हमने इसलिए किया है क्योंकि आगे से पीछे का गला बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लेंगे इसका मोड़ा ये भी 8 लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बस साइज़ है वो 51 है, 51 प्लस 3 लूजिंग लिया 54 हो गया, 4 से डिवाइड किया 13.5। अब ऊपर से 13.5 का एक बार और निशान लगाएंगे और उसके नीचे 3.5 और उसके नीचे 7। अब आपको बिल्कुल इसी तरह साइज़ लगाना है। अब वेस्ट साइज़ हमारे पास 48 है, 3 इंच का लूजिंग लेंगे 51 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 12.75। अब हमारे पास हिप साइज़ इसकी 56 है, प्लस 1 करेंगे 57 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 14.5, ठीक है ना। अब बिल्कुल आपको सेम इसी तरह साइज़ लगाते हुए आगे बढ़ना है। अब देखिए फ्रेंड्स आपने देखा है ना, मैंने ऊपर सबसे ऊपर 13.5 का निशान लगाया, उसके बाद 3.5 का निशान लगाया, उसके बाद 7 का निशान लगाया। तो ये सारे मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल प्रॉपर, ये अपनी जगह पे बैठते हैं, ठीक है। तो 4.5 पे हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इससे ये जो बाहर मार्जिन की जो लाइन है ना यहाँ पे इसे मिलाएंगे, ये हमारा साइड प्लेट का निशान है। तो बड़े साइज़ में साइड प्लेट डाल देना चाहिए, इससे कप साइज़ बन जाता है, जो सूट है वो पीछे को नहीं भागता। मोस्टली प्रॉब्लम रहती है ना सूट पीछे भाग रहा है, तो वो यही प्रॉब्लम रहती है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इतने बड़े साइज़ का बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनाना, जितनी आपकी बस की चौड़ाई आती है ना उतनी आप प्लेट की लेंथ रख दो और उसके नीचे 3.5 रखोगे। तो जब ऐसे करोगे ना तो कभी भी सूट अपनी जगह से पीछे नहीं जाएगा। मेरे पास बहुत सारे कंप्लेन आती है जब मैं अपनी रील्स बनाती हूँ कि हमारा सूट पीछे जाता है, तो उनके सूट में ना कटिंग में प्रॉब्लम होती है। अब बताइए मैं कैसे उसमें कटिंग कैसे सॉल्व करूँ, कि अब ये जो हम जब कोर्स करवाते हैं अपना तो वो कोर्स के अंदर यही छोटी छोटी बातें हम उसके अंदर बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका सूट अपनी जगह पे चिपका रहे। तो काफ़ी कुछ देखिए हमने मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, और विद डिटेल अगर आपको और अच्छे से जानना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रंट साइड मैंने काट दिया है, अभी बैक साइड को बाद में कट करेंगे, पहले इसका जो स्लीव्स का कपड़ा है ना हम इसको उतार लेते हैं,
तो जब हम स्लीव्स के कपड़े को उतार लेंगे तो हमारे पास ये जो कपड़ा बचेगा ये बैक साइड के लिए बचेगा, फिर इसमें से बैक साइड कट कर देंगे, पहले हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा ये ब्राउन कपड़ा चाहिए होगा कटिंग के समय, ठीक है ना, तो इसलिए हम पहले स्लीव्स कट करेंगे, उसके बाद इसका बैक पोर्शन कट करेंगे। अभी आपको दिख जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है कि पहले फ्रंट और बैक को छोड़ के स्लीव्स पे आ गए। तो देखिए अब ये जो हमारे पास बॉर्डर दिया हुआ है बस इतना ही बॉर्डर है, अगर इसके दूसरी साइड भी बॉर्डर दिया होता तो पूरे राउंड में बॉर्डर आ जाता, लेकिन अभी ये थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा है लेकिन हमारे को डालना इक्वल ही है। तो अब हमें स्लीव्स की जो लेंथ लेनी है ना 6 लेनी है, लेकिन हम इसमें 8 पे कटिंग करेंगे थोड़ा बड़ा बढ़ा कर, ठीक है। अब हमने ये देखिए जितना हमारा बॉर्डर था उतना कट कर लिया, अब हमारे पास ये जो आगे कपड़ा बचा है इसमें 2 पीसेस हो गए, एक पीस को हटा देंगे और एक पीस से जॉइंट डालेंगे। चलिए अब हम इस कपड़े को 4 फोल्ड में तह कर लेंगे और फिर इसके आगे रखेंगे। जब भी आप कोई भी स्लीव्स बनाओ बिल्कुल इसी तरह बनाना, चाहे क्वार्टर बनाओ चाहे छोटी बनाओ, लेकिन बनाना ऐसे ही बिल्कुल सही आती है। तो देखिए हमने थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के इसे रख दिया जितना इसके जॉइंट में जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 19 हमारा राउंड है तो उसका हाफ के 9.5, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 थी लेंथ, तो हम 7 ले सकते थे लेकिन हमने थोड़ी बड़ी ली है, उससे हमारे को जब हम इसे शेप करके तैयार करेंगे तो बिल्कुल ठीक आएगी। अब यहाँ पे मैं इसको लूँगी 11 इंच, ठीक है। अब 11 इंच लेने के बाद मैं इसकी शेप डालूँगी और आर्म होल की शेप डाल के बस इसकी कटिंग कर लेंगे, तो स्लीव्स हमारी कट की रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो अब यहाँ पे ये जो बंद पोर्शन है ना इसको भी कट कर लेंगे ताकि इसके 4 पीसेस हो जाएं। तो चलिए अब हम इसको जोड़ना बता देंगे, फिर आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रख के जोड़ देना। अब देखिए इतने बड़े साइज़ का है, मैं इसमें कटिंग ही बता पाऊँगी और जहाँ जहाँ पे चेंज होगा वो सब बता दूँगी। ये देखिए इसको यहाँ जोड़ देंगे और इसको यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब जब कोई सिलेगा तो इतने बड़े साइज़ का तो उसे थोड़ी बहुत सिलाई आनी तो ज़रूरी है ना, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है तो भी आप बिल्कुल इसको वीडियो को देख के ईजिली बना सकोगे। चलिए अब देखिए ये मेरे पास इसका बैक पार्ट है, अब इस बैक पार्ट के को अब हम कटिंग करेंगे, फ्रंट में काट चुकी हूँ अब बैक को कटिंग करते हैं। तो इसको भी बिल्कुल प्रॉपर इसे सेट कर लेना है। अब हम इसकी लेंथ सेट करेंगे, तो देखिए मेरे पास जो 48 तैयार लेंथ है, अब ये कपड़ा तो हमारे पास 44 का ही है तो इसका मतलब इसमें जॉइंट डलेगा। अब ये जो पीछे की तरफ है ना इसको हम हल्का सा टर्न कर देंगे, बाद में हम पट्टी लगा के इसे मोड़ देंगे। तो ये देखिए अब मेरे को यहाँ 48 तैयार लेनी है, तो यानी मुझे 49 पे तो इसे कट करना ही होगा, तो मैं इसे फिर भी थोड़ा बड़ा कट करूँगी, 50 पे मैं इसे कट करूँगी और मैं दिखाऊँगी अभी आपको कि मैंने इसे 50 पे कट क्यों किया है। चलिए अब हमने ये जो कपड़ा एक स्लीव्स तो कट कर लिया था जॉइंट लगा के, और एक जो कपड़ा बचा था उसको अब हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। अब हम बिल्कुल कंप्लीट लेंथ लेंगे, ये देखिए नीचे से नापना शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे नापते हुए जहाँ पे हमारा 49.5 ले लीजिए या 50 ले लीजिए, जितना भी मैंने तो 50 लिया है इसको। अब लेके मैं इसका जो हमारा फ्रंट पोर्शन है इसके ऊपर रखूँगी, ये देखिए, ठीक है ना, बस ऐसे रख के मैं इसको कट कर लूँगी तो बिल्कुल हमारा तैयार बनेगा। अब हमें ज़्यादा ड्राफ्टिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम इसकी आर्म होल की बाहरी शेप करते हुए इसको काट लिया। अब देखिए नीचे तो जगह ही नहीं है कटिंग के लिए, वो पूरा का पूरा ही आ गया है। अब इस जॉइंट को यहाँ सिल देंगे, ठीक है, जहाँ के जॉइंट काटो बस सबसे पहले वहाँ के जॉइंट पहले ही सिल दो। तो ये देखिए अब हमारे पास बैक पोर्शन इतना लंबा है और फ्रंट पोर्शन इतना छोटा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बीच में बॉर्डर के अंदर एक बॉर्डर और बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये एक बॉर्डर है, इस जगह से हम थोड़ा ऊपर से कटिंग करेंगे। ये देखिए अब इस बॉर्डर को हम नीचे कर देंगे जिससे कि वो नीचे वाले के साथ मिल जाएगा, यहाँ पर,
तो अभी तो बैक पोर्शन में तो हमने ऊपर ज्वाइंट करा, अब नीचे बॉर्डर के अंदर जब हम ब्राउन कलर डालेंगे तो वो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने ज्वाइंट लगाया, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने ये बड़ा कपड़ा बचा लिया था एक साथ, ठीक है ना। तो अब हम इसके ज्वाइंट को पहले नाप के देखते हैं। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ ऊपर इंची टेप को रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर, तो लगभग मेरे पास 5 इंच आया है और 15 इसकी विड्थ आई है। तो मेरे पास जो 5 आया है, मैं 5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करूँगी। अब इसको 15 पे पहले निशान लगा लेते हैं और इसे तैयार कर लेते हैं कि ये 15 हो गया। तो ये देखिए 15 हमारा हो गया है, और यहाँ पे हम देखती हूँ, ये हमने रखा है 5 रखना है, तो 5.5 में से रख के कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने फ्रेंड्स कपड़े के ऊपर रख कर ही कट कर लिया है। तो आप कभी भी ऐसे ना करें, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिस है तो मैं बहुत ध्यान से कटिंग करती हूँ। तो आप लोग कभी भी करें तो ऊपर कपड़ा ना रख के करें, कभी आप नीचे वाला कपड़ा गलती से काट दो। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा के रखा, ये देखिए ऐसे रखा और ऐसे रखा, और फिर मैं इनको आपस में ज्वाइंट कर दूँगी यहाँ पर। अब देखिए लेंथ हो गई ना कम्प्लीट इसकी, तो अब मैं इसको यहाँ जोड़ दूँगी। अब देखिए इतना सा ही कपड़ा बचा है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, ये जो कपड़ा है ना ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, और करने के बाद इससे मैं फ्रंट का नेक बनाऊँगी, और ये जो कपड़ा है इससे मैं पाइपिंग कट करूँगी, और इससे मैं बैक का नेक तैयार करूँगी। तो चलिए अब मैं इसको सिलती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, अगर बड़े साइज़ का है तो कटिंग करना, आपको बहुत अच्छा बनेगा आपका सूट। अब ये देखिए मैंने इसका फ्रंट बैक स्लीव सब तैयार कर लिया है, और बिल्कुल प्रॉपर जितनी जितनी मैंने आपको साइज़ बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग भी लगा दिया है। चलिए अब हम इसका नेक नाप के देखते हैं कि हमारा बनने के बाद कितना आया। तो देखिए फ्रंट का नेक तो मेरे पास 8 इंच का आया है, और बैक का थोड़ा सा मैंने इससे बड़ा किया है। तो ये देखिए मेरे पास आया है बैक का नेक 9 इंच का। तो देखिए फ्रंट का 8 का और बैक का 9 का, वैसे तो इस साइज़ के लिए 8 भी कम है, कम से कम आपका आगे की तरफ 8.5 होना ही चाहिए। तो लेकिन अब इसमें डिज़ाइनिंग ऐसी बनी थी तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो अब देखिए मैंने फ्रंट में छोटा छोटा मोड़ लिया है, अब यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसकी लेंथ को सेट करेंगे। अब लेंथ को सेट करके देखते हैं कि फ्रंट का लेंथ हमारा बनने के बाद कितना आया है। तो ये देखिए मेरे पास 48.5 आगे का हिस्सा आया है, और पीछे का हिस्सा तो थोड़ा बड़ा काटा था, अभी देखते हैं कि वो कितना आएगा। तो वैसे भी 48.5 है, लेकिन ये जब पहनेंगे तो ये 48 ही कहलाएगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जब भी आप लेंथ रखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलें, हर चीज़ को कस्टमाइज लोग इसीलिए कराते हैं कि उनका प्रॉपर बने, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए जब मैंने इसको रख के नापा तो ये पीछे का हिस्सा हमारा इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो लगभग अभी इसे साइज़ चेक करके देखते हैं कि कितना बड़ा आ रहा है। ये देखिए अब ये बड़ा क्यों आया है, यहाँ पे मैंने प्लेट डाली है ना, ये देखिए यहाँ मैंने प्लेट डाली है, पहले ही मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कट किया था, और मैंने ये जब प्लेट डाली ना 0.7 की, तो ये इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो ये मेरे पास 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है बैक साइड का। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये देखिए ऊपर वाला जो बॉर्डर है, बॉर्डर का जो लाइन है, यहाँ से हम इस बॉर्डर को कट करेंगे, ठीक है। तो आप बॉर्डर में देखना पड़ता है कि किस जगह पे हम सेट करेंगे तो हमारा जॉइंट भी ना लगे और हमारा डिज़ाइन भी ठीक हो जाए। तो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर करके कट करेंगे, ये देखिए ये ऊपर से कटिंग हो गया। अब बॉर्डर के थोड़ा सा नीचे से, ताकि जब हम बॉर्डर लगाएं तो हमारा पूरा बॉर्डर आए, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर की लाइन पे कट कर दोगे ना तो जब आप उसे जोड़ोगे ना तो वो फिर आपका बॉर्डर छोटा हो जाएगा। अब ये मेरे को 1.5 मिल चुका है, इसको मैं यहाँ पर ही सिल दूँगी, ठीक है। अभी मैं इस पर यहाँ पर पिन लगा के देख लेती हूँ कि हमारी लेंथ सेट हो रही है या नहीं हो रही। तो लेंथ मेरे को लग रहा है कि सेट हो जाएगी, क्योंकि मैंने नाप के रखा था बिल्कुल।
ये देखिए फ्रेंड्स, लेंथ इसकी सेट हो गई है। अब बैक साइड की जो फोल्डिंग है ना, बहुत बारीक बारीक आएगी ना, तो आप उसमें पट्टी लगा के मोड़ देना, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट है। अब ये पीछे की तरफ मैं पट्टी लगाऊंगी तो ये ब्राउन पोर्शन भी उसमें चला जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम करना है, जहाँ से हमने कटिंग किया इसको यहाँ के यहाँ ही जोड़ देना है, ठीक। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमने बॉर्डर काटा है ये किस लिए काटा है। तो ये देखिए, ये जब मैंने ब्राउन कलर का कपड़ा लगाया ना, तो अब मैं यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके एक सेंटर में एक लाइन लगाऊंगी, और ये जो मैंने बॉर्डर कट किया है ना, अब इसके मैं सेंटर में इसको लगा दूंगी। तो इससे ये पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास जॉइंट है या हमने इसको कुछ डिज़ाइन है या जॉइंट है। तो बस इसी तरह थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करते हुए हम आगे बढ़ गए और हमारा सूट बहुत अच्छा बन गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर बना है। तो अब ये देखिए, ये हमारा बैक साइड है। अब देखिए, सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कोई कट डला था या कुछ था, देखिए बिल्कुल इक्वल हो गया। अब मैं आपको फ्रंट दिखाती हूँ, और ये देखिए ये फ्रंट है, ठीक। और यहाँ पे बीच में मैंने ब्राउन कलर की, ऐसा लग रहा ना जैसे दो पट्टियाँ डली हुई हैं, है ना। और ये देखिए नेक, देखिए फ्रंट नेक, और ये हमारे पास बैक नेक, देख रहे हैं ना। अब आप चाहे कितना भी डीप कर लें, जिस मेथड से ये बनाया है बिल्कुल भी नहीं इसका शोल्डर गिरेगा। और ये देखिए, दो पट्टियाँ मैंने जो पट्टी लगाई ना बीच में, थोड़ा ऊपर बड़ा नीचे छोटा, इस तरह लगाया है। तो फ्रेंड्स, अब इसका पैनल वगैरह देखो, सब बहुत सुंदर बना है। और आप भी एक बार अगर इस साइज़ का बना रहे हैं तो एक बार इसी तरह ट्राई कीजिए। और ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे शोल्डर में पट्टी डाली है ना, तो ये स्लीव्स के साथ मैच हो गई, तो पहन के बहुत अच्छी लग रही है। फाइनल लुक भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसका।